छात्र चुनाव को लेकर छात्रों ने किया धरना प्रदर्शन। सिद्धार्थनगर छात्र संघ चुनाव की तारीख घोषित न किए जाने से छात्रों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। शिवपति महाविद्यालय शोहरतगढ़ में छात्र नेता मोहम्मद शहजाद की अगुवाई में छात्रों ने धरना प्रदर्शन किया। छात्र नेता मोहम्मद शहजाद ने धरना प्रदर्शन में अपने खून से ज्ञापन लिखा। अपने खून से ही छात्र संघ चुनाव की तारीख घोषित करने की मांग का स्लोगन लिखकर महाविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। 2 घंटे धरना प्रदर्शन होने के बाद मुख्य नियंता मंडल की टीम मौके पर पहुंची। छात्रों ने मुख्य नियंता मंडल के डॉक्टर मुकेश, डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, डॉक्टर सुशील सिंह को ज्ञापन देते हुए अविलंब छात्र संघ चुनाव की तारीख घोषित करने की मांग की। ज्ञापन में कहा कि यदि उनकी मांगे पूरी नहीं होती तो वे आंदोलन को तेज करेंगे। हालांकि मुख्य नियंता मंडल की ओर से जल्द तारीख घोषित करने का आश्वासन मिलने के बाद छात्रों ने धरना समाप्त कर दिया। छात्र नेता मोहम्मद शहजाद ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में छात्र संघ की भूमिका काफी अहम मानी जा रही है, बावजूद इसके महाविद्यालय प्रशासन इसमें कोई रुचि नहीं दिखा रहा है। बार बार अपील करने के बाद भी तारीख की घोषणा नहीं की जा रही है। इस दौरान 2 दर्जन छात्र छात्राएं मौजूद रहीं। बाद में मुख्य नियंता मंडल को ओर से छात्रों को भरोसा दिलाया गया कि 23 नवंबर तक तारीख की घोषणा कर दी जाएगी। उसके बाद छात्रों ने धरना समाप्त कर दिया। धरना प्रदर्शन के दौरान पुलिस प्रशासन की टीमें मौके पर डटी रहीं। अपने शिवपति महाविद्यालय में छात्र छात्राओं की समस्याओं को लेकर, जैसे पानी, शौचालय व महाविद्यालय में राजनीति साथ और मैथ्स के टीचर नहीं आ रहे, इन सब समस्याओं को लेकर अपने रक्त अपने लहू से महाविद्यालय को ज्ञापन दिया, जिसमें महाविद्यालय की समस्याओं की मांग करते हुए छात्र संघ चुनाव की मांग की। अगर महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव नहीं कराया गया तो आने वाले समय में 22 तारीख या 25 तारीख में जो दिन महाविद्यालय तय करेगा या महाविद्यालय तय नहीं करेगा तो अपने हिसाब से दिन निर्धारित करके महाविद्यालय में खुद मैं मोहम्मद सजाद सिद्दी आमरण अनशन देने का काम करूंगा, जिसके लिए महाविद्यालय के समस्त छात्र छात्राओं का इस समर्थन हमें मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।